हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जो आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। अगर आप धूप में ज़्यादा निकलते हैं या आपने काफ़ी टाइम से अपनी स्किन की कोई देखभाल नहीं की है तो आपके लिप्स के आसपास का एरिया अक्सर काला पड़ जाता है। कई बार ये नाक के आसपास का एरिया या फोरहेड का एरिया भी डार्क हो जाता है हमारी बाकी स्किन की कंपेरिजन में। तो अगर आपके स्किन के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन इवन टोन नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेमेडी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर। फ्रेंड्स, चंदन पाउडर एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। अगर स्किन में एजिंग के निशान आने लगे हैं, स्किन थोड़ी सी लूज होने लगी है या इस पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसको टाइटन कर देता है और ये झाइयाँ भी कम करता है। सबसे अच्छी बात है, ये हमारी स्किन को निखारता है, जिससे जो हमारी स्किन थोड़ी सी ब्लैकिश हो गई है उसका रंग निखरने लगता है और वो इवन टोन हो जाती है, जिससे हमारा लुक काफ़ी इन्हेंस होता है। अब हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है पोटैटो जूस। ये मैंने यहाँ पे पोटैटो जूस निकाल लिया है। आपको पोटैटो जूस निकालना बहुत अच्छी तरह पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ उसको किस तरह निकालना है। इसके लिए आपको एक आलू लेना है और उसको पील करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो उसको ग्राइंडर में डाल के पीस भी सकते हैं, और ग्रेट करने के बाद एक छन्नी की सहायता से उसको अच्छी तरह से छान लेना है। बस हमारा जूस बनके तैयार हो जाएगा। अब हमको ये यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिक्स करना है। यह हमको उतना लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी सही आ जाए। ये देखिए, हमको थोड़ा सा और लेना होगा। यहाँ पे हमने पूरा 3 टेबल स्पून पोटैटो जूस लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पोटैटो एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। अगर अपने फेस पे आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा निखर जाती है, और अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं या फिर वाइट स्पॉट्स हैं उसको भी बहुत कम कर देता है। यहाँ तक कि अगर स्किन पे वाइट एंड ब्लैक हेड्स भी हैं तो उनको भी ख़त्म कर देता है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो ये ऐसा फॉर्मूला बन के तैयार होगा जो हमारी अनइवन स्किन को इवन टोन कर देगा और हमारे लुक को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर देगा। हमारी स्किन ब्राइटन और टाइटन हो जाएगी। तो अब हम इसको लगाने का तरीका बताते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, जिस तरह मैं बता रही हूँ, हाथ पे लगा के आपको बता रही हूँ, इस तरह इसको पूरे फेस पे लगाना है। इस तरह लगा के कम से कम हमको 15 to 20 मिनट्स हमको इसको एकदम सूखने से पहले सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, कोई भी फेस पैक जो हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं उसको सूखने से पहले ही वॉश करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा देर तक लगाते हैं और हमारी स्किन पे वो एकदम सूख जाता है तो झुर्रियों की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें जब ये हल्का सा सूखे, चंदन पाउडर सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसलिए ये 10 टू 15 मिनट्स में सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा ना सुखाएं और उसको अच्छी तरह से नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आप देख रहे हैं, मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया है और मेरी स्किन पहले से काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, और आप इसमें अंतर देख रहे होंगे, पहले ही बार में शाइनी भी महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये पैक आपको वीक में कम से कम 2 बार अप्लाई करना है। आप पहले ही बार में अपने फेस पे, अपने स्किन पे काफ़ी अंतर महसूस करेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, जिससे आपका लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। Oh.